कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी लोगों से किए सभी वायदे पूरे करेगी। ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के डंगोली में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर महंगाई को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएगी और महिलाओं को राहत देने के लिए उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार अपनी पहली ही कैबिनेट में ओपीएस की बहाली सहित अनेक निर्णय लेगी। 1500 रुपए प्रति माह हमारी महिलाओं के पेंशन, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में हर महिला को 1200 रुपए गैस के सिलेंडर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए 1500 रुपए की पेंशन कांग्रेस पार्टी की सरकार लगाएगी। और वैसे जो हमारे कर्मचारी है, पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला एजेंडा जो मुख्यमंत्री के टेबल के ऊपर आएगा वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश।